यू गाइस व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक. अरे फक यार. हे गाइस इट्स मी डी शॉ डेकर्ड शॉ एंड वेलकम बैक टू मोर ऑफ किचन इन द वेल. यू नो व्हाट आई जस्ट रियलाइज, ये काफ़ी रिपीटेटिव हो गया है. यू नो मतलब कुछ कुछ चेंज करूँगा वैसे. बाय द वे पता नहीं यार, तो मैं वीडियोज़ भी क्यों बना रहा हूँ, वीडियोज़ तो आते नहीं है तो फिर भी खैर मज़ा तो आ रहा है, तो आई कंटिन्यू मेकिंग दैम एनी वेज. तो आज के एपिसोड के अंदर बेसिकली हम क्या कहते हैं, बहुत सारे जो छोटे मोटे लेवल रह गए हैं बीच बीच में वो, और एक बॉट से हेलमेट भी मिलता है वो भी हम लेंगे. तो या लेट्स गेट इनटू इट. ऑलराइट, सो अभी मैं अभी आर्काइव में आया हुआ हूँ फिलहाल. तो आर्काइव्स के अंदर मैंने देखा था कि अभी एक बचा हुआ है, तो मैंने बॉट को अभी लेवल अपना अपग्रेड करा है. तो उसके बाद मैं आर्काइव से अंदर आया हुआ है और यहाँ पे और एक और बॉट को मिल गया. तो अभी फिलहाल आर्काइव बैनर मिल चुका है, अभी भी तीन बैनर्स बचे हैं. ये बॉट को, इस बॉट को भी अभी मैं जाके वो कर देता हूँ. और मेरे हिसाब से अब शायद आर्काइव जो है कम्प्लीट नहीं, अभी भी एक बच्चा है. तो मैं अभी सोच रहा हूँ पहले अभी इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी लेवल्स के लिए मेरे को लग रहा है कि अभी और भी अपग्रेडेशन ज़रूरी है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग को ट्राई करा है. प्लस मैं सोच ही रहा था कि काफ़ी टाइम से क्या कहते हैं कोई सीक्रेट डोर अवेलेबल हुआ ही नहीं है. सो अभी आई थिंक मैप पे अभी ये वाला एक और बचा है, इससे शायद एक और सीक्रेट डोर मिले मे बी. लेट्स सी. यहाँ पे भी एक सीक्रेट डोर है ये वाला. Come on. Oh, first time. अगेन बॉट कोड लेवल अपग्रेड करना. ओह ये नया अटैक कैन बी हेल्ड डाउन टू प्रोवाइड फोकस एट ऑलमोस्ट टाइम स्लोड. इसको एक बार ट्राई करना बनता है. आर्काइव्स अब कंप्लीट हो गया है. अब नैरो नाइन पावर ग्रिड और एटमॉस्फेरिक एनालिसिस, इनको मैं शायद एक बार देखूँगा. अभी देखता हूँ मैं इनको. अटैक कैन बी हेल्ड डाउन टू प्रोवाइड फोकस एज इफ ऑलमोस्ट टाइम हैज स्लोड.
नाइस, ये थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने में, प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। एनीवेज अभी प्रोग्रेस तो हो ही गई है काफ़ी। अभी मेन एरियाज दो ये रह गए हैं और एक शायद ये मेन लेवल होगा, वो इन दोनों के बाद ही होगा शायद। बाकी अभी फ़िलहाल तो एक बॉट कोर भी एक अवेलेबल है, तो मैं अभी इसी को अपग्रेड करता हूँ फिलहाल, उसके बाद में लेट्स सी बाकी। बॉट लेवल 8 हो गया है अब। और राइट, सो अभी मैं गो थ्रू कर रहा है, तो पहले जो डोर था ये लॉक था, अभी ओपन हो गया है। तो और यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे एक और लेवल है। जनरल बिना तो कोई एवेंट इस्पायर देख रहा हूँ। इन टाइम टू स्टॉप टू द नाइटली एक्सपीडिशंस टू द मैप टू मैप द माउंटेन हैव बीन अ सक्सेस। वी इवन लोकेटेड एंड सिक्योर सम ऑफ द ओल्ड टूल्स यूज्ड बाय द इंजीनियर हंटर्स इयर्स अगो। वी डिसाइडेड टू हाइड देम हियर एंड बिल्ड दिस आवरसेल्व्स टू मेक श्योर दैट एन ओनली एन इंजीनियर कुड एवर गेट टू देम। दे विल बी सेफ अंटिल एन इंजीनियर रिटर्न्स एनी ऑफ देम, इफ एनी ऑफ देम स्टिल एग्जिस्ट। ओके, थोड़ी सी पजल भी है थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए। आई थिंक ओ माय, आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाला है। Finally.
Oh no. ये तो बहुत डिफिकल्ट है यार. ये तो मैं शायद ना ही करूँ अभी, और शायद मैं कभी ना करूँ, क्योंकि इतना टफ तो ना पहली सीरीज है मेरी कुछ तो, मतलब ना. हाँ ओ, ये शॉर्टकट भी है एक नया. ऑलराइट, मैंने थोड़ी रिसर्च की है और मैं देखता हूँ, कुछ एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ मैं. ये सीख वुडन पोज भी, वुडन पोज को फॉलो. सी दिस, ये इस टाइप की चीज़ है ना, गेम को एक अलग मतलब रिस्पेक्ट दे देती है. मतलब कोई कौन जाएगा वहाँ पे सोच के कि शायद कुछ मिल जाए. यहाँ पे पूरा ओपन वर्ल्ड एक और नया खोल रखा है इन लोगों ने. और एक और एंट्री है. ये कहाँ जाता है? ये शायद मैंने किया हुआ है क्योंकि ये तो फर्स्ट लेवल, जैसे फर्स्ट लेवल पे आ गया हूँ. ये न्यू है. ये न्यू एरिया है.
No. Come on. Please, please, please. Okay. Unfinished and prototype that looked like it was designed to fit a frog's head. What? Unfinished prototype that looked like it was designed to fit a frog's head scratched onto the metal inside. It says PF thinking cap. तो उसका कुछ use है या फिर? वेल लेकिन फिर भी एक एक्सेप्ट एक कलेक्टेबल तो है कम से कम, लेकिन ये लेवल मुझे अच्छा लगा, काफी पेशेंस टेस्टिंग टाइप था. फाइनली डन.
क्लोज. तो अभी एक बच्चा है, आर्काइव हो गया, लॉक सिस्टम, पावर ग्रिड में एक बच्चा है और एक एटमॉस्फेरिक एनालिसिस. तो पावर ग्रिड शायद ये एटमॉस्फेरिक है, पहले इसमें भी जाते हैं, इसमें इसी को करते हैं. थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि क्या किया था ये मैंने, स्विचिंग वगैरह करके. कौन सा पार्ट रह गया? ये रहा. अभी ये वाला पार्ट रह गया ना, अभी यहाँ पे है. ओके, सीक्रेट पार्ट. बॉट को इसमें मतलब एक तरह से आपको गेम जो है ओ इस एक गेम जो है वो एक तरह से फोर्स कर रहा है कि आप वापस अपने उन लेवल्स पे जाएं जो नहीं हो पाए, और फिर उसके बाद में फिर से उनको ट्राई करें. मतलब एक तरह से फोर्स करता है, जैसे इसके अंदर ओपन वर्ल्ड दिखाया हुआ है लेकिन एक्चुअली में है नहीं, ऐसी अलग अलग वेज के अंदर ये गेम फोर्स करता है. ऐसे है क्या, एड्स एन इलेक्ट्रिक ऑरा दैट कॉजेस लाइट चेन लाइटनिंग व्हेन बॉल हिट्स एन ऑब्जेक्ट. ये क्या है, मतलब बेसिकली आसपास के उसको भी चार्ज कर देता है. ये अच्छा फीचर है, थोड़ा माइट कम इन हैंडी. पावर ग्रिड, सो एक सेकेंड.
Chain blade. एक और नया क्या लॉन्ग रीचिंग चार्ज ब्लेड दैट प्रोवाइड्स श्योर फुटिंग सो दैट इट्स विल्डर विल नॉट फ्लिंच व्हेन कैचिंग अ हाई स्पीड बॉल. I think we range ज़्यादा है. सो डैट गाइज आज के लिए इतना ही एंड सी यू गाइज इन अ बिट. पीस.